सी, अभी मैं आपको बताऊं कि ये कुक टाउन में हूँ और यहाँ पे कल शाम में केबल वालों के प्रकार से अगर पूछा जाए तो उन लोगों ने ये कहा है कि ये काम BBMP ने किया है। ये हमेशा की हाल है। ये अगर देखेंगे तो आप BSNL का केबल है और इसमें ACT भी है, एयरटेल भी है, सारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट और केबल TV सारे इसके साथ हैं। काम ये है कि BBMP के लोग आए और केबल को कट किया और चले गए और ये केबल ऐसे ही पड़ा हुआ है। अपार्टमेंट का यहाँ दरवाज़ा है, अगर कोई गाड़ी निकालना चाहे यहाँ से तो गाड़ी नहीं निकाल सकता है, ये एक प्रॉब्लम है। हमने कोशिश किया कि केबल ऑपरेटर से बात करने के लिए, तो केबल ऑपरेटर ने ये कहा कि नया कोई BBMP में इंजीनियर आया है, उसकी सेटिंग नहीं हुई है। किसके साथ सेटिंग नहीं हुई है? तो सेटिंग नहीं हुई है सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो अगर सेटिंग हो जाएगी तो इलीगल वे में जैसे ऐसे वायर को आप खुले में ले जा सकते हैं। तो इनके हिसाब से BBMP का कुछ डिमांड होगा और BBMP को पैसा मांगा होगा और इन लोगों ने पैसा नहीं दिया है तो कल शाम में आके केबल कट कर दिया। खैर, ये इनके बीच की लड़ाई, इस बीच के लड़ाई में आप देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है। ये जो वायर आप देख रहे हैं, ये वायर यहाँ पे ऐसे रोड पे पड़ा हुआ था और ये जब रोड पे पड़ा है तो आप सोच सकते हैं कि जब कोई बाइक आएगा तो कैसा एक्सीडेंट होता है। खैर, लोगों ने इसको उठा के यहाँ पे साइड में कर दिया है इस वक्त। और लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, ना ही BBMP को पड़ी है, ना किसी सर्विस प्रोवाइडर को पड़ा है, आदमी की, आम जनता की सुरक्षा के लिए। साइन बोर्ड के वजह जब केबल कट जाता है, बेकार हो जाता है, तो अब इसको निकाल कर नहीं ले जाते हैं। इसलिए नहीं निकाल कर ले जाते हैं कि इसके अंदर फाइबर है, बेचने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इसको बांध के छोड़ देते हैं। तो BBMP इसको क्यों नहीं देखती है, एक रूल क्यों नहीं बनाती है कि भाई आप इलीगल केबल नहीं लगाएंगे। इलीगल केबल लगाने का परमिशन आप देते हैं, इसका मतलब है डायरेक्टली आप पैसा लेते हैं और लोगों को परमिशन देते हैं। ए नहीं तो स्वामी केबल है ना, कट आके दे BBMP कट मार दे इवाग इष्टो इवाग कट मार दे नंदे नंदे कट मार दे ऐन प्रकार कट मार दे सर इनफॉर्म मार दे ಓವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ತೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरामैन से इसको जूम करके दिखाइए। ये जो आप पोल पे देखिए कैसे मेस है, ये मेस जो है हर सिटी में, हर एरिया में आप जहाँ भी होंगे आप देख सकते हैं। इस ज़रूरी नहीं है जहाँ का मैं फुटेज दिखा रहा हूँ आपको देखने की ज़रूरत है। आप अपने घर से बाहर निकलिए और आपको ऐसा वायर जंक और पूरे गुच्छे में लगा हुआ दिखाई देगा। आप सोच सकते हैं कि इस टाइप का परमिशन कौन देता है। और आपको एक बात और सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, उसको अपना एक वेट होता है, उसके साथ वायर का कनेक्शन होता है, उसके बीच में ये कम से कम अगर आप काउंट करेंगे 50 वायर यहाँ पे लगाए गए हैं। ये 50 वायर का जो वेट है, इसका जो पुल होता है, तो एक अलग से इस पर गिरने का डर होता है, जब हवा तेज़ चलती है तो इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक डैमेज हुआ इसी तरह 3-4 रोज पहले, इसको जूम करके दिखा सकते तो दिखाओ। यहाँ जब बहुत तेज, ये जो आप अभी पिक्चर देख रहे हैं, ये बहुत तेज हवा आया, आने के बाद से इसके ऊपर एक वायर गिरा और वायर के साथ एक डाल भी गिरा और आप देख रहे हैं ऊपर का पोर्शन पोल का पूरी तरह से टूट चुका है। अब यहाँ सरकार के कोई भी कर्मचारी नहीं आएंगे, इसको देखेंगे भी नहीं, रिपेयर भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही सेटिंग केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट लोगों से कराना है तो पैसा लेने के लिए आएंगे, सेटिंग हो जाएगी, फिर से केबल जुड़ जाएगा और फिर से आप इंटरनेट और टेलीविज़न का मज़ा लेंगे घर बैठ के। लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं अपने सिटी को नीट और क्लीन बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी लगी कमेंट कीजिए, ख़राब लगी वो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।